नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल इज एक्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनी मोशन इट्स मैक्सिमम एक्सलेशन इज अल्फा एंड मैक्सिमम वेलॉसिटी इज बीटा सवाल है देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विल भी और चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं बीटा स्क्वायर बाय एल्फा या फिर टू पाए बीटा बाय एल्फा बीटा स्क्वायर बाय एल्फा स्क्वायर या फिर अल्फा बाय बीटा ना सिंपल uh, सा सवाल है इसमें अगर बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आराम से हो जाएगा सवाल थर्टी सेकेंड में uh, सवाल कुछ इस प्रकार है कि हमें दे रखा है मैक्सिमम एक्सलेशन जो है वो अल्फ़ा है सो आपका जो ए मैक्सिमम होता है उसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर ए उसकी वैल्यू अपने को अल्फा दे रखी है पहली इक्वेशन तो ये हो गई नेक्स्ट चीज़ अपने को दे रखी है मैक्सिमम वेलोसिटी ये बात अपने को पता है कि वी मैक्सिमम जो होता है उसको हम लिखते हैं ए ओमेगा और उसकी वैल्यू अपने को बीटा दे रखी है सेकेंड इक्वेशन हो गई हमें बताना है टाइम पीरियड क्या होएगा तो इन दोनों को डिवाइड अगर का हम कर दें इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू तो इसमें से ए की सुपारी हो जाएगी सो ये आपका बचेगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए उड़ गया तो ओमेगा चलो पूरा लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए ओमेगा विल बी इक्वल टू अल्फा बाय बीटा विच इम्प्लाइज ए कैंसल ओमेगा कैंसल विच इम्प्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा ये आपकी ओमेगा की वैल्यू हो गई ना अपने को पता है टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड उसको हम लिखते हैं टू पाए बाय ओमेगा ओमेगा की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ गया आपका टू पाए बीटा बाई अल्फा यह अपना फाइनल आंसर हो जाएगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टू पाए बीटा बाय अल्फा वुड बी द राइट आंसर